खास करके ऐसे कौन से मूव है, मतलब ऐसा कौन सा टाइम है जब हमें अटैक करना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि अभी ये वीडियो जो चल रहा है ये है किंग ऑन सेंटर, जब सामने वाले का किंग सेंट्रलाइज है, बिल्कुल सेंटर में कैसलिंग नहीं किया हुआ है, तब आपको इनिशिएटिव कैसे लेना है इसके बारे में हम बताएंगे। इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक एक पॉन अप है लेकिन पोजीशन बिल्कुल डाउन है। टू नाइट बिशप वर्सेस टू बिशप नाइट, टू रूक वर्सेस टू रूक एंड क्वीन वर्सेस क्वीन, और वन पॉन डाउन है वाइट, लेकिन वाइट के पोजीशन काफी अटैकिंग है इस पोजीशन में। अब यहां अगर आपने कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट मूव में ब्लैक बिशप e7 करके जल्दी से कैसलिंग कर लेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि पॉन प्लस के बाद सिंप्लीफाई गेम होने में कोई देरी नहीं लगती है। तो अब यहां पे देखते क्या करना है, व्हाट इज द बेस्ट मूव। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस के बारे में आपको देखना है कि किंग सेंटर में है तो नाइट e6 पॉसिबल है कि नहीं। कैलकुलेशन आपको अलग अलग हर एक मूव को करना है, नाइट e6 पॉसिबल है या नहीं पहले ये देखो। अगर नाइट e6 f6 देन क्वीन h5 चेक, तो g6 करने के बाद आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो वापस से अपना जो कैलकुलेशन है वहां पे एक साइड में रख लीजिए कि इतने मूव आपने शूट लिए हैं, दूसरा बंच बनाइए, अब मुझे क्या करना है। तो नाइट सेक्रीफाइस नहीं अच्छा, तो हम देखते हैं रूक सेक्रीफाइस। तो रूक टेक्स नाइट ये पॉसिबल है कि नहीं, तो देखते हैं रूक टेक्स नाइट में वाइट रूक टेक्स नाइट करेगा तो ब्लैक अगर किंग या क्वीन से रूक को लेगा तो नेक्स्ट मूव में क्वीन टेक्स नाइट लेके व्हाइट ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रुक के 5 पॉइंट देखे उसे 6 पॉइंट मिलते हैं, टू माइनर पस पीसीस वर्सेस रुक, और ऑलरेडी एक पॉन जो आप डाउन है उसे इक्वलाइज कर लोगे। तो यहाँ पे व्हाइट को फायदा है, अगर रुक टेक्स नाइट में ब्लैक अगर किंग या क्वीन से आपके रुक को लेता है तो भी आपको फायदा है, लेकिन वो अगर नाइट से लेता है तो रुक सैक्रिफाइस हो गया, तब इक्वलाइज नहीं होगा। उसके बाद आपको दूसरा सेक्रीफाइस सोचना है कि एक्स्ट्रा अटैक, मतलब रुक टेक्स नाइट, नाइट टेक्स रुक, देन नाइट e6, वो हमें सोचना चाहिए। यहाँ पे रुक टेक्स नाइट, नाइट टेक्स देन नाइट e6, उसके बाद सारे मूव फोर्स से। दोस्तों अगर ब्लैक ने पॉन टेक्स नाइट नहीं किया तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है। तो पॉन टेक्स नाइट के बाद क्वीन e6 और यहाँ बिशप e7 जरूरी है। आफ्टर किंग d8, अगर किंग d8 खेलते हैं तो सिंपल नेक्स्ट रेट है आपकी बिशप g5 चेक। तो यहाँ पे रुक e1, अब क्वीन बिशप पे रुक और क्वीन का अटैक है, मेटिंग थ्रेट है। बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से ओनली मूव है क्वीन c5 b4। नेक्स्ट मूव में क्वीन टेक्स b4, नाइट f8 दो ऑप्शन है। नाइट f8 में क्या होता है, क्वीन पे काउंटर अटैक, इसमें सिंपली क्वीन g4 करके इस पॉन को प्रोटेक्शन देना है और यहां भी थ्रेट है। और इसके बाद आफ्टर क्वीन c3 यहां रुक इनटू e7 सेक्रीफाइस, आफ्टर किंग टेक्स बिशप चेक, और फिर कंटिन्यूस चेक बिशप चेक, और यहां क्वीन e7 चेक बिशप टेक्स रुक। इससे बेटर मूवी है हमारे पास बिशप टेक्स रुक के बेटर, यहाँ पे आप बिशप e3 करो तो जल्दी गेम खत्म हो जाएगी। आफ्टर किंग b8 फोर्स मूव है, क्वीन d8 चेक, रुक इंटरपोज और क्वीन b6 चेकमेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, थोड़ा वापस जाते हैं, ये पोजीशन जो है नाइट f8 जो खेला है उसके बदले अगर क्वीन टेक्स b4 कर देते हैं तो ब्लैक को थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, सैक्रिफाइस करना है ब्लैक को।
नाइट f8 के बजाय क्वीन डी भी हो, आफ्टर बिशप g5 यहाँ क्वीन सेक्रीफाइस करके ब्लैक गेम में लाइव रह सकता है आफ्टर नाइट f6। अब आप देख सकते हो कि नाइट वर्सेस बिशप और टू रुक बिशप वर्सेस क्वीन बिशप और इक्वल पॉन और टू रुक के सामने क्वीन इतना कुछ इफेक्टिव नहीं हो सकती है। चलिए दूसरी पोजीशन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों एक गुइको पियानो की गेम है, दो गेम में आज आपको बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन गेम है। एक गेम तो शायद आप लोगों में से बहुत सारे प्लेयर्स ने देखी भी होगी, लेकिन ये वाली गेम हम पहले देखते हैं, बाद में जो गुइको पियानो की फेमस है, दोनों गुइको पियानो की गेम है। एक गुइको पियानो एक ओपनिंग का नाम है, e4 e5 nf3 nc6 bc4 bc5 देन c3, दिस इज ए गुइको पियानो ओपनिंग। आफ्टर नाइट f6 d4 pawn takes pawn bb4 चेक नाइट c3 देन d5, ये एक नॉवेल्टी मूव है दोस्तों। पहली जो मैं इसके बाद की गेम बताऊंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग सैक्रिफाइस वाली है, कैसे किंग को सेंटर में पकड़ के रखा है वाइट। पॉन टेक्स नाइट टेक्स देन कैसलिंग। अब यहाँ पे वाइट ने एक पॉन सैक्रिफाइस किया है, आफ्टर नाइट टेक्स नाइट पॉन टेक्स देन बिशप टेक्स पॉन, रुक पे अटैक, बिशप इस पॉन पे भी अटैक है, लेकिन ऐसा रिस्क ब्लैक नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उसका किंग सेंटर में है और तुरंत रुक और क्वीन का अटैक आता है। बिशप e6 से ब्लैक ने किंग को ढकना चाहा कि चलो जल्दी से कैसलिंग कर ले, लेकिन तुरंत अटैक करने के लिए वाइट ने किंग को सेंटर में ही रहने दिया और फोर्सफुली अटैक चालू कर दिया। यहाँ पे बिशप g5 क्वीन पे अटैक करता है। बिशप e7 एक क्वेश्चन मार्क वाला मूव कह सकते, इससे बेटर वॉज क्वीन d7, लेकिन बिशप e7 के बाद बिशप टेक्स नाइट, वाइट ने टाइम वेस्ट जरा भी नहीं किया। देखो दोस्तों इसमें किंग जब भी सेंटर में होता है तो सीखने की बात यह है कि बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत अटैक कर देना है। बिशप इनटू d5, अब फोर्स मूव है बिशप टेक्स d5, आफ्टर नाइट टेक्स d5 फोर्स मूव क्वीन टेक्स d5 और यहाँ पे बिशप टेक्स e7। नॉर्मली कुछ नहीं कर रहा है वाइट, सिंपल इक्वल एक्सचेंज कर रहा है, क्यों कि सामने वाले के किंग को बिजी रखना है। आफ्टर नाइट टेक्स और रुक e1, अब ये कैसे बिजी हो गया कि कैसलिंग नहीं कर सकता अभी ब्लैक। अगर ब्लैक ने कैसलिंग कर लिया तो सिंपली उसका नाइट लॉस होगा। ब्लैक ने यहाँ पे f6 किया है, f6 के बदले अगर वो ब्लैक क्वीन d7 करता तो प्रेशर और भी वाइट मेंटेन रखता आफ्टर क्वीन e2। तो f6 के बाद यहाँ पे क्वीन e2 मेट की थ्रेट, आफ्टर क्वीन d7 रूप c1 ओपन फाइल पे अटैक, c6 ओपन फाइल क्लोज की है, लेकिन ये थोड़ी वीक मूव है। यहाँ पे वाइट ने तुरंत देखा कि यहाँ पे मुझे सी फाइल ओपन मिल रही है और d5 पॉन सैक्रिफाइस कर दिया। क्वीन से तो मार नहीं सकते क्योंकि चेकमेट की थ्रेट है। यहाँ पे c takes d5 और उसके बाद नाइट के लिए स्पेस बनाई। आफ्टर किंग f7 नाइट e6 नेक्स्ट थ्रेट है रुक c7, इसलिए रुक hc8 और यहाँ पे क्वीन g4। ब्लैक ने यहाँ पे वाइट ने क्वीन टेक्स g7 की थ्रेट दी है, इसलिए ब्लैक ने g6 किया, लेकिन आफ्टर नाइट g5 डिस्कवर चेक, किंग को फोर्सफुली क्वीन के सपोर्ट में जाना पड़ा। रुक सैक्रिफाइस आफ्टर किंग टेक्स रुक, क्वीन से रुक मारेंगे तो सिंपली रुक टेक्स c8 की थ्रेट, इसलिए किंग टेक्स रुक और यहाँ पे रुक e1 चेक और किंग को d6 कंपलसरी मूव है क्योंकि किंग d8 में नाइट e6 चेक आके बहुत ही डेंजर हालात होते हैं। लेकिन आफ्टर क्वीन b4 चेक, किंग c7 नाइट e6 किंग b8 और क्वीन f4 चेक, फोर्सफुली रुक इंटरपोज, देन वाइट विल विन द गेम। सिंपली आप देख सकते हो रुक टेक्स नाइट टेक्स रुक देन रुक चेक मेट की थ्रेट है। दूसरी जो गेम है
उसके बारे में मैं आपको बताऊं, गुइकोपिया। दूसरी जो गेम है यहाँ पे, ये पोजीशन के बाद ब्लैक नाइट D5 के बदले नाइट E4 करता है। ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ब्लैक इज ईटिंग एंड वाइट इज मेटिंग। तो यहाँ पे नाइट टेक्स E4 के बाद वाइट ने किया था कैसलिंग, उसके बाद नाइट टेक्स C3, बी टेक्स C3 और बिशप टेक्स C3, वन मोर सेक्रीफाइस बाय वाइट। ये पॉन सेंटर का और रुक पे अटैक। अभी रुक सेक्रीफाइस की मूव की है वाइट ने, क्वीन B3 करके डायरेक्टली डबल अटैक F7 पे और क्वीन टेक C3 की भी थ्रेट है साथ में, इसीलिए ब्लैक ने बिशप टेक्स रुक किया। लेकिन आफ्टर बिशप F7 किंग के पास एक ही मूव है, किंग F8, बिकॉज ऑफ किंग E7 में बिजी चेक और क्वीन लॉस होती है। यहाँ पे बिशप G5, अब क्वीन के पास देखिए दोस्तों कोई रास्ता नहीं बचा, तो फोर्सफुली नाइट E7 आता है, उसके बाद वन मोर ब्रिलियंट मूव नाइट E5। ब्लैक ने सोचा कि ये बिशप मुझे बचा लेना चाहिए वरना और भी बहुत ही डाउन होता जाऊंगा। बिशप टेक्स पॉन लिया और यहाँ पे एक और जबरदस्त मूव जो आप सोच नहीं सकते, मैं भी सोच नहीं सकता, बिशप G6। दो दो पीस वाइट ने मरते छोड़े हैं। ये बिशप पॉन से मर रहा है और ये नाइट बिशप से मर रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी पीस को ब्लैक कैप्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि बिशप टेक्स नाइट में क्वीन F7 चेकमेट की थ्रेट है और पॉन टेक्स बिशप में क्वीन F7 की चेकमेट की थ्रेट है बाय नाइट। तो यहाँ पे फोर्स मूव था D5 जो क्वीन का रास्ता बंद करना जरूरी है, और आफ्टर क्वीन F3 चेक बिशप के लिए एक ही मूव है, मतलब किंग के लिए। तो बिशप F5 के बाद बिशप टेक्स F5, बिशप टेक्स D5, देन बिशप E6 चेक, फोर्स मूव है बिशप F6, बिशप टेक्स F6 और यहाँ पे गेम वाइट विन हो गया। तो ये जबरदस्त अटैकिंग गुइकोपियानो की गेम है। हालांकि बहुत लोग और वर्ल्ड में सभी लोगों को इस गेम के बारे में पता है, इसीलिए कोई अब गुइकोपियानो वाइट के अटैक से जल्दी वो नहीं कर सकता, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स अब डिफेंड कर लेते हैं और पॉन की लालच नहीं लेते हैं। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन था कि पॉन जो नाइट टेक्स E4 के बाद जब आप मारते हो ब्लैक के लिए अच्छे मूव कौन से हैं, बिशप टेक्स C3 नहीं और नाइट टेक्स E4 भी नहीं। यहाँ पे सिंपली बिशप E7 खेल के आप खेल सकते हो नाइट टेक्स नाइट करने के बाद, और दूसरी पॉन की लालच करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ब्लैक डिफेंस वाला मूव करेगा तो इसमें बच सकता है, और इससे पहले जो है उसमें काफ़ी हद तक अटैकिंग है वाइट की ओर से, लेकिन ये चेक वगैरह देने से बेटर है गुइकोपियानो में बिशप B6 करके सिंपल भी खेल सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारी गेम्स लेके मैं आपके सामने आऊँगा और एनालिसिस भी करेंगे, और जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।